लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर इस शख्स को मजाक करना पड़ा भारी। पुलिस ने हाल ही में कहा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर से कैब बुक करने के आरोप में एक 20 वर्ष की युवक को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रोहित त्यागी के रूप में हुई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर सलमान खान के घर से गैलेक्सी अपार्टमेंट से बांद्रा स्टेशन तक के लिए कैब बुक की थी। जब कैब ड्राइवर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचा और पूछताछ की तो पुलिस ने कहा कि वहां के चौकीदार को बुकिंग के बारे में पता चला, जो पहले तो दंग रह गया। तुरंत बुकिंग के बारे में पास के बांद्रा पुलिस स्टेशन को सूचित किया। पुलिस ने आगे कहा कि जांच के दौरान पता चला कि आरोपी ने मजाक के तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कैब बुक की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें मुंबई लाया गया और अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद उन्हें 2 दिन के लिए बांद्रा पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। क्राइम ब्रांच ने बाद में शहर की एक अदालत ने गोलीबारी की घटना के सिलसिले में दोनों आरोपियों को 25 अप्रैल तक मुंबई अपराध शाखा की हिरासत में भेज दिया। बिहार की विक्की गुप्ता और सागर पाल के रूप में पहचाने गए आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। मोटरसाइकिल पर आए दो लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 4 राउंड फायरिंग की, जहां अभिनेता रहते हैं। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि दोनों आरोपियों ने टोपी पहन रखी थी और बैकपैक ले रखा था। क्लिप में उन्हें एक्टर के घर की ओर गोलीबारी करते हुए भी दिखाया गया। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद डीएसपी ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में नवंबर 2022 से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी वरार की धमकियों के बाद सलमान खान की सुरक्षा का सतर्क बढ़ाकर वाई प्लस कर दिया गया है। तो दोस्तों, आपका क्या कुछ है कहना, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और ऐसे ही चटपटी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल बॉलीवुड टशन के साथ।